भाजपा के चावल घोटाले के आरोप को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नकार दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने पहले रमन सिंह ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपयों का चावल घोटाला हुआ है। रमन सिंह और भाजपा के पास षड्यंत्र के अलावा कोई काम नहीं बचा है। उनका आरोप था कि 2020 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 38 लाख टन चावल प्राप्त हुआ, 15 लाख टन वितरित नहीं किया गया, जबकि हकीकत यह है कि 28 लाख टन प्राप्त हुआ है और उसमें 27 लाख टन चावल का उठाव किया, बाकी हमने क्लेम नहीं किया। जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। पिछले एक महीने पहले रमन सिंह ने आरोप लगाया था कि 5,127 करोड़ का चावल घोटाला हो गया। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। इन्होंने आरोप लगाया कि सन 2020-22 के बीच प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जिसमें 38 लाख टन चावल प्राप्त हुआ, 15 लाख टन वितरित न करने का आरोप भी लगाया। 38 लाख प्राप्त हुआ, उसमें 15 लाख टन वितरित करना नहीं बताया गया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि केंद्र सरकार से 28,10,000 मेट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ, 28.10 लाख, उसमें से उठाव हुआ 27.61 लाख, 27,61,000 टन हम लोगों ने उठाया। 50,000 टन बचे उसको हम लोगों ने क्लेम नहीं किया। तो ये कहाँ बताया 35 लाख और उसमें 15 लाख वितरित नहीं करना, 38 लाख बताया ना, 38 लाख के बात आए जबकि हकीकत क्या है 28 लाख, उसमें उठाओ हम लोग किए 27,61,000, 50,000 का हमने क्लेम किया नहीं और आरोप क्या लगा है 15 लाख टन वितरित किए ही नहीं। मतलब एक तो जो मिलना है उसको अधिक बता दिए, उसमें 10 लाख जोड़ दिए अपने तरफ से, और जब हमने क्लेम नहीं किया 50,000 टन का तो फिर 15 लाख वितरित नहीं करने के भी आरोप लगा दिया। दूसरी बात यह है कि सितंबर 2020 में हमने राज्य सरकार ने ई पास के माध्यम से जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं उसके खाद्यान्न का सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया, राज्य सरकार ने किया, और इसमें करीब 65,000 मीट्रिक टन कम पाया गया और जिसके शासन ने तत्काल वसूली करने का आदेश दिया। इसमें से 15,000 टन चावल की वसूली की जा चुकी है, 208 दुकान है उसको निरस्त भी कर दिया, और इसमें जो शेष बचे जो चावल है 50,000 टन जिसके बारे में बात हो रही है उसमें से 21,000 टन का RRC तहसीलदार के द्वारा जारी भी कर दिया गया, 29,000 टन का अभी कार्रवाई जारी है। ये वस्तुस्थिति है कि हमने खुद ही इसको संज्ञान में लिया, कार्रवाई की। अब सवाल ये है कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे, 8 में भी काटे, 13 में भी काटे, और दो चार हजार नहीं बल्कि 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे। रमन सिंह जी बताए जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है
तो फिर वसूली कार्रवाई क्या किया? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1,000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए, भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है।